हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल। लेकिन उससे पहले कुछ दो तीन छोटे से टर्म्स देखते हैं। पोटेंशियल एंड ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम ईएमएफ है, लेकिन ये फोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। ये सिंपल है पोटेंशियल। तो ये भी पोटेंशियल, तो इन दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है उसको समझिए। जैसे कि मानिए एक सर्किट है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है। एक दूसरा है, लेकिन ये एक स्विच के साथ है और स्विच ओपन है, इसका मीनिंग करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे कहेंगे हम पोटेंशियल। यानी कि एक सिंपल वर्ड आ गया, व्हेन सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज होगा तो हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल। व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होगा तो हम क्या कहेंगे उसको? ईएमएफ। इसको ये कह सकते हो आप मैक्सिमम पोटेंशियल। सिंबल इसका कैपिटल ई है, पोटेंशियल का सिंबल वी ही होता है, इसके लिए यूज करा जाता है कैपिटल ई। यूनिट्स दोनों की सेम है, वोल्टेज, इसकी भी यूनिट है वोल्टेज। अब एक छोटी सी चीज कि एक रिलेशंस क्या होती है वोल्टेज में और ईएमएफ में। अब उसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट को समझिए। अगर एक सेल होता है तो उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यानी कि ये हो गया पोटेंशियल, इसका इसे लीजिए ए पॉइंट, इसे लीजिए बी पॉइंट, और ये आर, दिस इज कैपिटल आर। ये आर क्या है? यानी कि ऑल ओवर एक सेल है पूरा, उसी के अंदर एक रहता है आपका, इस बी पॉइंट को इधर भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि सेल जो होता है उसमें एक अपोज करने का एक फीचर रहता है उसके अंदर भी, जिसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू काफी कम होती है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो अब यहाँ मेन चीज है तो देखनी पड़ेगी। अब देखिए रिलेशंस क्या होती है। रिलेशंस ये होती है कि मैक्सिमम क्या है? ईएमएफ। वोल्टेज क्या होता है? कम। तो वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर, ये एक रिलेशन है वोल्टेज ईएमएफ माइनस आईआर। क्योंकि ईएमएफ होता है मैक्सिमम, और ये कब होगा? जैसे ये होता है आपका ईएमएफ, जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वोल्टेज में। यानी कि अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो आप कहोगे क्या है वो? ईएमएफ। सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या हो गया आपका? वोल्टेज। और वोल्टेज ईएमएफ के बीच की एक रिलेशन है। आई क्या है? फ्लो इन करंट इन सर्किट। इसको थोड़ा और भी समझते हैं अच्छी तरह से। सपोज इसको नाम दिया हमने ए पॉइंट, ये नाम दिया बी पॉइंट, ये है कैपिटल आर। तो देखिए होता क्या है, ये पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल ऑलवेज होता है पॉजिटिव, मैक्सिमम पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल।
इक्वल टू इसका एक रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ई माइनस आई आर, और वी ए माइनस वी वी ही होता है आपका वोल्टेज। वोल्टेज बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल है, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। जैसे कि सपोज इस पॉइंट का वोल्टेज है 4 वोल्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो आपका जो पोटेंशियल होगा इस सेल का वो होगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल 4 है और नेगेटिव टर्मिनल 2 है। ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव टर्मिनल 4 हो, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 हो, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वो ही क्या हो जाएगा इस सेल का पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा 4 वोल्ट। अब देखिए इसी बिहाव से सेल को कॉम्बिनेशंस होते हैं टू टाइप्स के, सेल इन सीरीज एंड नेक्स्ट होता है इन पैरेलल। तो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं सेल्स इन सीरीज। अब सेल्स इन सीरीज के लिए समझिए, ये एक सेल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, इसका ईएमएफ माना 1, इंटरनल रेजिस्टेंस माना R1। ये एक दूसरे सेल से अटैच है जिसका इंटरनल ईएमएफ है E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सपोज इस पॉइंट को कहा हमने A, ये पॉइंट है आपका B एंड ये पॉइंट है C। हमने पहले बात करते हैं सेल वन की, ये आपका वन सेल है, तो इसके लिए पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच की रिलेशन क्या होगी। मैंने आपसे कहा था कि हायर माइनस लोअर जो आपकी एक रिलेशंस होती है, जैसे पोटेंशियल की क्या होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे हायर पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल माइनस आई आर वन, और ये किसके बराबर, सिंपली सेल टू के लिए पॉजिटिव ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो पोटेंशियल एट ए बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट ए सी पॉइंट इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू। ये फर्स्ट सेल के लिए हो गया और ये सेकंड सेल के लिए हो गया। एंड नाउ सिंपली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने करा ऐड। चलिए उससे पहले ये देखिए, अगर सपोज इस पूरे को जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज था वैसे ही सेल्स इन सीरीज में हमने इस पूरे का एक कॉम्बिनेशन लिया जिसे कहा इक्विवेलेंट, तो अगर इक्विवेलेंट कहा तो ये क्या हो गया, ईएमएफ हो गया इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है। तो अब इस बिहाव पे पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल एट ए सी इक्वल टू इक्विपोटेंशियल यानी कि टोटल ईएमएफ माइनस आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन बनी। अब जरा इसको हम सिंपली ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐड करने से क्या होगा, पोटेंशियल एट ए बी पॉइंट नेगेटिव, पोटेंशियल एट ए बी पॉइंट पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट ए सी पॉइंट इज इक्वल टू, दिस इज ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू, तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू आपका हो जाएगा ई वन ई टू को एक साथ लेते हैं अब हम, और आई आर वन आई आर टू के एक साथ, और उसमें से भी माइनस आई कॉमन ले लिया, तो आर वन प्लस आर टू। नाउ दिस इज इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए को कंपेयर करिए इस इक्वेशन से, तो बताइए वी ए माइनस वी सी इक्वल हो गया, ये क्या था, इक्विवेलेंट,
क्या ईएमएफ? तो इसका मीनिंग हो गया, अगर हम दो सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका ईएमएफ किस अकॉर्डिंग ऐड होता है, सिंपली डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, सेल वन का सेल टू का, माइनस माइनस आई आई, दिस इज आर इक्विवेलेंट, तो ये क्या होगा आर इक्विवेलेंट, दिस इज आर इक्विवेलेंट, तो क्या हो गया आर वन प्लस आर टू। और वैसे भी आपको ये पता होगा अगर रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ऐड होते हैं, लेकिन सेल्स को अगर हम सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्टली ऐड होंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, देखिए सेल्स को अगर हमने पॉजिटिव, ये सेल वन है, इसके नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करा सेल टू के, तो इक्विवेलेंट हमारे पास ईएमएफ आया E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। लेकिन अगर फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही अटैच हो तो फिर क्या होगा? देखिए रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सीरीज में ही है, सीरीज में ही रहेंगे। इसका रेजिस्टेंस होगा R1, इसका रेजिस्टेंस होगा R2, इसका ईएमएफ होगा E1, इसका ईएमएफ होगा E2। रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका, R1 प्लस R2 ही रहेंगे, फर्क पड़ेगा आपका ईएमएफ में इक्विवेलेंट, लेकिन वो डिपेंड करेगा दो कंडीशंस पे। कंडीशंस क्या, कि E1 इज मोर देन E2 या फिर E1 इज लेस देन E2। देखिए यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ करंट कैसे गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह। अब जरा यहाँ देखिए, अगर हमने कहा E1 इज मोर पावरफुल देन E2, तो यानी कि ये पावरफुल है, तो ये पावरफुल होने का मतलब क्या हो गया, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, जबकि होता क्या है नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। तो इसी अकॉर्डिंग अब हम क्या कह सकते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले केस में अगर E1 इज मोर पावरफुल E2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाता है आपका E1 माइनस E2। अगर सेकंड केस जो है आपका E1 is less than E2, तो equivalent EMF हो जाता है minus E1 plus E2। अब देखिए ये आपको याद रखना होगा कि पावरफुल कौन है और लो पावरफुल कौन है, और बेसिकली कंपैरिजन में, और इसका डेरिवेशन आपको वो क्लास में करा दिया जाएगा, यहाँ के लिए इतना ही बहुत है। अब आते हैं हम सेल्स इन पैरेलल। अब सेल्स इन पैरेलल के लिए सेम उसी बिहाव पे देखिएगा जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे था। ये सेल है E1, ये सेल है E2, इस सेल का नाम दे रहे हैं वन, चलिए E1, ये है E2, इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। ये पॉइंट है आपके सपोज A पॉइंट, ये है आपका B पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दिया V1, इस पॉइंट को नाम दे दिया V2। देखिए पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इसमें माना I1, इससे भी करंट निकलेगा, इससे हुआ I2, और फाइनली हो गया I। तो यहाँ से एक सिंपल सी रिलेशन आती है कि I इक्वल टू किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के, क्योंकि इन दोनों से मिलके ये करंट बनता है। अब देखिए सेम यहाँ पे फिर से हम बात करते हैं सेल वन की। अभी हमने एक सिंपल सी रिलेशन बताई थी पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच की, तो सेल्स E1 पे अप्लाई करते हैं, तो क्या था पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है इसका B1 माइनस नेगेटिव टर्मिनल क्या है B2, इक्वल टू क्या होता है EMF फर्स्ट सेल माइनस करंट क्या है इसमें I1 और R1,
सेल टू के लिए, इसके लिए भी बी वन ही है, बी वन माइनस बी टू, ई एम एफ क्या है, ई टू माइनस आई आर टू। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली वी वोल्टेज, वी वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये बी पॉइंट का मतलब है पोटेंशियल एट ए बी वन, पोटेंशियल एट ए बी टू, सेम ऊपर के लिए नीचे के लिए, तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा। अब इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम, वी इक्वल टू ई वन माइनस आई आर, आई वन आर वन, और इससे वी इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर टू। अब जरा बताइए अगर यहां से आई वन की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगी, ये इस तरफ आ जाएगा वी माइनस ई वन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए यहां कर देते हैं। तो आई वन की वैल्यू जो निकलेगी इस तरफ आके ई वन माइनस वी डिवाइडेड बाई आर वन, सेम बिहाफ पे आई टू की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। हमने यहां से आई वन आई टू की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करी है, क्योंकि वो वैल्यूज किस में पुट होंगी, सेम इसमें। तो I इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2, और हमने अभी फाइंड आउट करी है I1 की वैल्यू, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। और इस सर्किट के साथ, बेसिकली इस सर्किट के साथ हम अब क्या करते हैं, इसको भी इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं, तो क्या कह सकते हैं इसे, ईएमएफ इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट कौन से थे, सिंपली बी वन एंड बी टू। तो देखिए यहां पे फिर से ड्रॉ करते हैं, बी वन बी टू पॉइंट, ये है ई एम एफ इक्विवेलेंट, ये है आर इक्विवेलेंट, तो इससे रिलेशन क्या होगी, वी वन माइनस बी टू इक्वल टू ई एम एफ इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, और ये क्या था, वोल्टेज ही था आपका, ई एम एफ इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे I इक्वल टू, इसे सेपरेट आउट करना, इसे सेपरेट आउट क्यों करा अभी देखते हैं, बताते हैं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 R1 R2। यहाँ पे क्या करा, हमने माइनस वी कॉमन लिया, अगर हमने माइनस वी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2, दिस इज I। अब जरा इस रिलेशंस को कंबाइन करने के फॉर्मेट पे, कंबाइंड फॉर्मेट में देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको ये दोनों रिलेशंस इस रिलेशंस के साथ कंपेयर करनी है, इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हमें करना होगा आई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आर वन आर टू, और ई वन के साथ आएगा आर टू प्लस ई टू के साथ आएगा आर वन माइनस वी आर वन आर टू, और सिंपली R1 प्लस R2। अब देखिए हमने क्या करा, इन बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया, किससे, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 से,
आर वन प्लस आर टू आर वन आर टू से आई को भी, तो आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई आर वन आर टू। तो इससे क्या होगा, देखिए ये टर्म्स जो है आई के साथ ये ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू आई इक्वल टू, और ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, और ये टर्म्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज माइनस वी। तो अब देखिए इस v को इस तरफ लेके आए, दिस प्लस हो गया, इसको सेम रहने दिया, e1 r2 प्लस e2 r1 r1 प्लस r2, इस टर्म्स को इधर लेके आए माइनस i r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। तो देखिए हमें जो कंपेयर करना था वो किससे कंपेयर करना था, इस टर्म से। तो इस टर्म्स को मैं एक बार फिर से लिखता हूं आपके लिए, v इक्वल टू e इक्विवेलेंट माइनस i r इक्विवेलेंट। अब देखिए v ये क्या हो गया इक्विवेलेंट, क्या emf इक्विवेलेंट, वो क्या हो गया e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 माइनस i r इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 R1 इनटू R2, ये आपको दिख रही होगी सिंपली सेल्स इन सॉरी रजिस्टर्स इन पैलर के ही डेरिवेशंस पे है, और ये सेल्स इन पैलर पे है, और इनके न्यूमेरिकल्स अरियंत के एनसीईआरटी और एग्जांपलर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लासरूम में होंगे। थैंक यू सो मच।